ओहो, क्या करूँ, मेरा शॉर्ट वायरल नहीं हो पा रहा है। कितनी कोशिश कर ली कि शॉर्ट वायरल चला जाए वायरल चला जाए, लेकिन मेरा शॉर्ट वायरल ही नहीं जाता, क्या करूँ। अगर आप भी एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने एक शॉर्ट को किस तरीके से वायरल करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको मैं बताऊंगी, वो जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो शॉर्ट है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। साथ ही साथ आपको किस तरीके से शॉर्ट को अपलोड करना चाहिए जिससे उसके वायरल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रो की। देखिए, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपको उसके शुरुआत में या लास्ट में आपको उसमें इंट्रो या आउट्रो नहीं देना होता है। इंट्रो का मतलब होता है जो लोग अपने बारे में बताते हैं कि मेरा फला चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप का कुछ। या फिर शॉर्ट्स आप अगर आप बनाते हैं तो उसके एंड में भी आपको ऐसा कुछ नहीं कहना है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप इंट्रो या आउट्रो में ही अपनी ऑडियंस को शुरुआत में इंट्रो में लगा लेंगे तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि देखने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी कुछ चाहिए होता है। यानी कि उनका जो दिमाग होता है ना, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को चाहता है कि फटाफट से चीज़ें हों। लेकिन अगर आप इंट्रो अपने वीडियो में लगाएंगे या आउट्रो लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंगेजमेंट होगी आपकी ऑडियंस की, वो हट जाएगी और इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाएगा और वो आपकी जो शॉर्ट्स है ना, उसको स्वाइप कर देंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपने शॉर्ट शुरू होते ही उसमें एकदम से जो भी आप जिस रिलेटेड भी शॉर्ट बना रहे हैं, आपने उसमें बस वो फटाफट फटाफट बोल देना है। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको वीडियो लूप में बनानी है। अगर आप यहाँ पर एक वीडियो साइड में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा रही हूँ, वो आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको लूप वीडियो बनानी होती है। या फिर आप अपने कहने के अंदाज से भी लोगों को लूप में रख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई वीडियो शुरू किया, उसके बाद में आप इसीलिए मैं कहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, इस तरीके के कुछ अल्फाज कह के आपका जो शॉर्ट है वो दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो शॉर्ट है, जो लोग देखते हैं ना, उन्हें पता भी नहीं चलता कि शॉर्ट कंप्लीट हो चुका है और वो शॉर्ट दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो शॉर्ट होता है उस पर 3 4 बार वो देख लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो आपको शॉर्ट इस तरीके से बनाना है कि उसकी एंडिंग का पता ना चले, और जब उसकी एंडिंग का पता नहीं चलेगा तो शॉर्ट अगेन रिपीट होगा, जिससे कि आपके जो शॉर्ट का इम्प्रेशन है वो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी आपकी ऑडियंस तक जाएगा, जिससे कि आपके शॉर्ट वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्ट की जो लेंथ है उसको कम रखना है, 15 सेकंड से 20 सेकंड तक, या फिर बहुत ज़्यादा आपने कोई बात डिटेल में समझानी है तो 30 सेकंड तक। आप जितना छोटे शॉर्ट्स अपने रखेंगे उतने ही ज़्यादा उसके वायरल होने के चांस रहते हैं। और आपने शॉर्ट को इस तरह से बनाना है, अगर आप किसी तरीके की कोई स्टोरी वगैरह सुनाते हैं तो आपने उसे बस 30 सेकंड का बनाना है। तो अगर आप जितनी कम उसकी लेंथ रखेंगे उतने ही आपका शॉर्ट ज़्यादा वायरल होगा। और अगर आप उसे बहुत ही लंबा, मतलब 1 मिनट का पूरा बना देंगे, तो उससे क्या होता है, आपकी जो ऑडियंस होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो चला जाता है। इसीलिए आप हो सके तो छोटी से छोटी शॉर्ट्स बनाएं शुरुआत में, और आप देखिएगा कि जो छोटी शॉर्ट्स होती हैं उन पर मोस्टली व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद भी करते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी शॉर्ट्स बनाते समय ध्यान रखना होगा। आपने अपनी जब शॉर्ट्स बनाए बनाए आप, उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बात करनी होगी। ऐसे नहीं कि हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ये दिखा रहा हूँ, या इस तरीके का कुछ। आपने उसके अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी बोलना, हेलो दोस्तों, आपको बहुत वेलकम है, और आज मैं आपको ये चीज़ें बताने वाली हूँ, या फुला चीज़ जो भी आप दिखा रहे हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए। तो जब आपको एक्साइटमेंट होगा, स्पीड होगी ना, तो उससे आपका जो एक आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए शॉर्ट्स के अंदर में। आवाज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। अगर आपको सांस थोड़ा सा लेना है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आप उसे एडिटिंग से करके उसे 20 से हटा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी शॉर्ट्स पर जो आपकी ऑडियंस होगी वो आपको ज़्यादा देर तक देखेगी, और ज़्यादा देर तक देखने का मतलब यही है कि आपका जो यूट्यूब है वो इम्प्रेशन ज़्यादा आपका बढ़ाएगा, जिससे कि आपके जो शॉर्ट होते हैं उस पर व्यूज़ अच्छे खासे आने की उम्मीद आप लगा सकते हैं।
अगली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अपनी शॉर्ट के अंदर किसी भी तरीके का सस्पेंस क्रिएट करके रखना है। आपने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे जिनमें लोग कोई ना कोई सस्पेंस रखते हैं और उसको वो अपने शॉर्ट्स के बिल्कुल आखिर में बताते हैं। तो आप भी हो सके तो अपनी शॉर्ट्स के अंदर आपने सीक्रेट कोई सस्पेंस इस तरीके का कुछ बना के रखना है जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो हुक हो जाए आपकी शॉर्ट पर, और वो हुक होगी ना तो वो आपकी जो शॉर्ट है उसको कम्प्लीटली देखेगी और जो भी आपने सस्पेंस क्रिएट किया है उस चक्कर में भी आपकी ऑडियंस आपकी शॉर्ट्स पर रुकेगी। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको किस तरह से शॉर्ट अपलोड करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हम अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाएंगे, उसके बाद में जो प्लस का आइकन आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी एक वीडियो ले लेंगे, जो भी हमें शॉर्ट्स हमने बनाया है उसको हम ले लेंगे यहाँ से और गैलरी से लेने के बाद में आपने क्या करना है ये देखिए, यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे होंगे एक थंबनेल बनाने के लिए एक पेंसिल का आइकन है, उस पर हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर थंबनेल बनाना है क्योंकि थंबनेल हम सिर्फ यहीं से बना सकते हैं, वाइट स्टूडियो से हम नहीं बना सकते। तो हम यहाँ से थंबनेल कर लेंगे और अनलिस्ट करने के बाद में वीडियो को अनलिस्ट करेंगे और अनलिस्ट करने के बाद में हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद में हम जाएंगे अपने वाइट स्टूडियो ऐप में और वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी जो वीडियो अभी आपने अपलोड की है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर एक छोटा सा टाइटल लिखेंगे, ध्यान रखना ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं लिखना है, छोटा सा और अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है आपने। और उसके बाद में आप 2 से 3 हैशटैग यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसमें आपको क्या करना है, ये आपने टाइटल और जो हैशटैग आपने लगाया इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आप इसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे और फिर इसे आप टेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। और फिर आपने क्या करना है, अपनी जो वीडियो है उसको करना है स्केड्यूल। स्केड्यूल में आप अपनी वीडियो को 15 मिनट 20 मिनट लेट कर सकते हैं, 15 मिनट जिस टाइम आपने करनी है, आपको एकदम पब्लिक नहीं करनी है, उसमें आपको आधे घंटे का 20 मिनट का गैप रखना है। हो सके तो जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा आपकी वीडियो वॉच करती है उस टाइम पे आप उस वीडियो को अपलोड कीजिएगा। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ साइड में बाद में एंड स्क्रीन में आ जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी ऑडियंस कब आपकी वीडियोज़ देखती है वो आपको किस तरीके से पता चलेगा, आप उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट्स अपलोड करना बताया है इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब अपने आप देती हूँ और हर सारे कमेंट खुद ही मैं रीड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।